चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। सिंगापुर में बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट में खासकर चेंगी एयरपोर्ट के इसमें हर जगह पे प्लांटेशन की गई, पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से मैं अपना बैग लेके अपने मैंने हॉस्टल में रूम बुक किया हुआ है, बेड स्पेस लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि सिंगापुर में डॉलर चलता है, सिंगापुरी डॉलर। पाकिस्तानी एक डॉलर पाकिस्तानी 92 रुपए का है इस टाइम, ये देख लेना। हर जगह पे प्लांटेशन है, ये बाहर देख ले, अंदर एयरपोर्ट के अंदर मतलब। चेंगी एयरपोर्ट की एक और ख़ास बात ये कि यहाँ एयरपोर्ट से डायरेक्ट ही LRT और MRT जो मेट्रो ट्रेन है वो आपको मिल सकती है। मतलब बाकी अब मैं कुआलालंपुर में, मुझे एयरपोर्ट से जो है ना, एयरपोर्ट सिटी से तकरीबन कोई 1 घंटा दूर है, कोई 40 से 45 मिनट दूर है। तो ये वाहिद एयरपोर्ट है, जहाँ तकरीबन हर एयरपोर्ट शहर से बाहर ही होते हैं, ये वाहिद एयरपोर्ट है जिसके एयरपोर्ट में मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी है। तो यहाँ पे कोई टैक्सी और इस चीज़ों का इशू नहीं। अगर दूसरे कनेक्टेड फ्लाइट हो तो उस साइड पे जाते हैं, इधर अराइवल के साइड पे जाके। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट लग रहा है, इमिग्रेशन जाके फिर सामान लेके मैं फिर आपको एयरपोर्ट के और मनाजिर दिखाऊंगा। एक बात मैं आपको एक और बता दूं कि सिंगापुर की इमिग्रेशन थोड़ी सी सख्त है, तो वो पहले फॉर्म देते हैं वो फिल करने है, उसमें लिखा होता है कि आप लिखना पड़ता है कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं तो उसमें कौन सी सिटी से हैं, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा अपना सारा डिटेल लिख के फिर यहाँ का होटल एड्रेस जहाँ पे आपका स्टे है और किस सिटी में होंगे, फिर इससे पहले किस मुल्क से हैं, फिर अगले कौन से मुल्क में जाएंगे, तो ये सारा कुछ डिटेल जो है ना इसमें इस फॉर्म में लिख के फिर इमिग्रेशन वाले, तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं पाकिस्तानी होने की वजह से या इनको है रूल्स। लेकिन मैंने देखे हैं सारों सब लोगों ने इसी तरह फॉर्म फिल किया हर मुल्क और इमिग्रेशन में फिर गए। अभी मैं जाके अपना बैग उठाता हूँ कि सारे हैं बैग। फ्लाइट है फिर आगे जाके ट्रेन पकड़ता हूँ, करेंसी भी चेंज करने, क्योंकि मेरे पास डॉलर है और सिंगापुर में कन्वर्ट करने, ये है 711 5 नंबर बेल्ट, यही पे है सामने है। ओके, बैग कलेक्ट करके फिर यही है मेरा बैग। जाके ट्राली लेते हैं,
सामान कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इधर मोबाइल चार्ज करते हैं। यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो बड़ा एयरपोर्ट है और आवाम को काफ़ी सहूलियतें दे रही है, ये फीडबैक के लिए मशीन लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना, ये लगा है फ्री वाईफाई। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन कर लेंगे और आपको 3 घंटे फ्री वाईफाई यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ से ये मैप है, मैप ऑफ सिंगापुर। मैं सबसे एक एक ले लूँगा, ये भी है इसमें। ये कौन सी है, सिंगापुर इनसाइट, और बाकी है ये भी ले लूँगा, ये भी एक ले लूँगा। अच्छा, टूर इन्फॉर्मेशन, ये एक $1 है, एक 5 सेंट है और एक 50 सेंट है। तो ये मैंने चैनल से भी वो किए, अभी मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। अभी बड़ा एयरपोर्ट, उसके बाद फिर जाएंगे बाहर। यहाँ से बस शटल फ्री सर्विस जाती है MRT की तरह। यहाँ से मैं भी बस में जा के फिर MRT जो है मेट्रो ट्रेन सर्विस, उधर जा के फिर वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँ। और यहाँ पे एक ये है कि इजी लिंक कार्ड मिलता है, मैं देखता हूँ कि वो ले लूँ। उसमें ये है कि वो बस और ट्रेन दोनों में ही चलता है, तो उसका पता करके फिर बाकी वीडियो बनाऊँ। ये चंगी एयरपोर्ट का जो है ट्रेन टर्मिनल है, ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से जो है ना आगे मुझे जाना है अपने लोकेशन पे। अभी दूसरे स्टेशन जो है ना, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, इस तरह के लाइन होते हैं, तो वहाँ मैं अभी जाऊँगा।